हाँ जी, तो व्हाट इज ड्वेल टाइम एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब ड्वेल टाइम क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है अगर आपकी एक वेबसाइट या ब्लॉग है तो, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। देखो ड्वेल टाइम क्या होता है, सिंपली पहले ये समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक सर्च किया टर्म शूज गूगल के ऊपर, वहां पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे 10 रिजल्ट आ गए कि भाई शूज ये वो जो भी आया। मैंने पहली वेबसाइट पे क्लिक किया और मैं लैंड हुआ वेबसाइट पे। अब क्लिक करने से लेके वेबसाइट पे जाने तक और वहां पे घूमने तक मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वापसी रिजल्ट पेज पे आने तक, मतलब ये क्लिक किया मैं वेबसाइट पे गया और फिर जो भी देखा देखा उसके बाद मैं वापसी आ गया, तो इसे कहते हैं ड्वेल टाइम। यानी मैंने CTR किया, एक तो क्लिक थ्रू रेट किया, क्लिक किया वेबसाइट पे गया, वहाँ टाइम स्पेंड किया, वापसी आ गया, इसे कहते हैं ड्वेल टाइम। इसे एनालिटिक्स में, मतलब कोई इसका मैट्रिक नहीं है, आप नाप नहीं सकते कि यार कहाँ होता है ड्वेल टाइम, एनालिटिक्स में कहीं नहीं मिलेगा ये मतलब समझना पड़ता है खुद से। एक तो बाउंस रेट पे, एग्जिट रेट, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं तब आपको पता लगता है कि ड्वेल टाइम एक्चुअली क्या है। तो ये एनालिटिक्स में मिल जाएंगे, बाउंस रेट, एग्जिट रेट सब मिल जाएगा, बट ड्वेल टाइम नहीं मिलता। अब ड्वेल टाइम अच्छा क्यों होना चाहिए वेबसाइट का, ये जान लेते हैं। देखो जब कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है ना सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, वो जितना वो टाइम स्पेंड करता है वो सर्च इंजन को सिग्नल भेजता है कि आपका कॉन्टेंट कंज्यूमेबल है या नहीं। मतलब कहने का मतलब है, मान लो मैंने शूज वाला वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर्च किया और क्लिक करके मैं वेबसाइट पे गया, मैं जो शूज सोच रहा था मुझे लगा रहा यार इस पे तो कुछ है ही नहीं, मैं 2 सेकंड बाद ही वापसी आ गया और मैंने फिर उससे नीचे वाली वेबसाइट पे क्लिक किया, वहां पे मैं 20-25 सेकंड या 30 सेकंड रुका, फिर मुझे लगा इस पे भी कुछ खास नहीं है, फिर मैं वापस आया और मैंने तीसरी वेबसाइट देखी, उस पे मैं 10-15 मिनट तक रुक गया। कहने का मतलब है पहले 5 सेकंड, दूसरी वेबसाइट पे आधा मिनट या 2 मिनट और तीसरी वेबसाइट पे 15 मिनट तक रुक गया मैं। इससे सर्च इंजन को सिग्नल मिलता है कि जो थर्ड वेबसाइट है ना जिसपे मैंने 15 मिनट स्पेंड किए, उसका जो कंटेंट है वो यूजर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब लोग उस पर ज़्यादा टिक रहे हैं, और जब टिक रहे हैं तो उसका कंटेंट ज़्यादा कंज्यूमेबल है तो उसकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है ऑटोमेटिकली। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब लोग उस पर टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑटोमेटिक उन्हें पसंद आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और जब ऑब्वियस सी बात है उन्हें पसंद आ रहा है तो वो उसे शेयर करेंगे अपने पर्सनल सोशल प्रोफाइल्स पे, और जब सोशल प्रोफाइल्स पे शेयर करेंगे यानी सोशल शेयर्स मिलेंगे तो सोशल सिग्नल्स भी मिलेंगे आपकी वेबसाइट के लिए गूगल को यानी सर्च इंजन को। इससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग दोनों तरफ से बढ़ेगी, एक तो ड्वेल टाइम वैसे कि भाई कंटेंट जो है वो कंज्यूमेबल है, दूसरा जो रैंकिंग सिग्नल सोशल प्लेटफॉर्म से मिलता है कि यार ये वहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर हो रहा है कंटेंट, तो दो तरफ से आपकी रैंकिंग बढ़ती है। तो कहने का मतलब है ड्वेल टाइम को आपने नापना नहीं है, और इसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो वही बाउंस रेट घटाने के लिए करते हैं, ड्वेल टाइम बढ़ाने के लिए भी वही होता है, जैसे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ाना, उसका वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा करना, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करना, कंटेंट हाई क्वालिटी डालना, नेविगेशन को ईजी बनाना कि अगर वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहता है तो उसे दिक्कत ना हो। तो यही था ड्वेल टाइम, जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं लोग, सिंपल सी चीज़ है, एक एक चीज़ को इतने बारीकी से अगर 10-10 दिन महीने महीने लगाएंगे हम तो कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट नहीं आते, सिंपल सा फैक्ट है, उसे इजी लेके चलेंगे तो समझ आ जाता है। तो अपने वेबसाइट या ब्लॉग की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए ड्वेल टाइम बेटर करना बहुत ज़रूरी है, यानी सेशंस लंबे बने, बेसिकली ये समझ लो सेशंस लंबे बन रहे हैं तो आपका ड्वेल टाइम अच्छा होगा ही होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एंगेजमेंट भी साथ साथ, वे भी उसी में आता है ड्वेल टाइम में, एक होता है CTR क्लिक थ्रू रेट जब क्लिक किया, दूसरा होता है उसने कितना टाइम स्पेंड किया, और तीसरा होता है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यानी शेयर किया या क्लिक किया, कोई उसने एक्शन लिया, आपका प्रोडक्ट है तो उसने खरीदा, ये सब चीज़ें, तो ये सब एंगेजमेंट में आ जाती हैं। तो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर ड्वेल टाइम जो होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है ड्वेल टाइम, 3 चीज़ों। तो यही था ड्वेल टाइम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स और टिप्स डालता रहूंगा जो आपको आपका करियर एनहेंस करने में मदद करेंगी, साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।